हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आज सीधा पाकिस्तान से, जिला नालोवाल, तहसील शाकरगढ़ से। आज ट्रेवल जून पहुंच चुका है करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में, जहां से जुड़ी हैं गुरु नानक देव जी की कभी न मिटने वाली यादें। तो ऐतिहासिक दिन है मेरे जीवन के लिए। आज मैं पहली बार जीवन काल में किसी दूसरे मुल्क में कदम रख रहा हूँ, वो भी पैदल चलकर, और ये अपने आप में कभी ना भूलने वाला क्षण है मेरे लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए, पीछे मेरी चेकिंग हुई है, और मैं चेकिंग करने के बाद जो मेरा पासपोर्ट है और ये जो लेटर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से मैंने दिखाया है, इनको मेरे सामान की चेकिंग हुई है। अब मैं कदम रख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर नारोवाल ज़िले में करतारपुर कॉरिडोर के लिए। दोस्तों, ये एक ई रिक्शा है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, जो मुझे लेकर बढ़ चला है करतारपुर कॉरिडोर की तरफ। आप देख सकते हैं, और ये पीछे धूल का गुबार एक उड़ रहा है, और ये जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट बनाया हुआ है इंडिया की तरफ से, वो है। सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग है, वो पीछे तिरंगा लहलहाता हुआ। वेलकम पाकिस्तान। ये देखिए, ये पीछे से चेकिंग पॉइंट हुआ, रेंजर्स ने हमारा वेलकम किया। मेरे साथ दो साथी और गुरदासपुर के, सर का नाम क्या है सर प्लीज? जहांगीर सिंह सिद्धू। जहांगीर सिंह सिद्धू और सर, और ये देखिए, वेलकम टू पाकिस्तान। की तरफ से जो इमिग्रेशन पॉइंट बनाया गया है वो है, सामने देख पा रहे होंगे आप। ये मनी एक्सचेंज काउंटर है दोस्तों, और आगे टोकन लेना पड़ता है, और ये पूरा पाकिस्तान की तरफ से जो बनाया गया इमिग्रेशन चेक पॉइंट है वो है। दोस्तों, मेरा तो मतलब मैं एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसा फील कर पा रहा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ। सामने देखिए, एक ही देश, एक ही मुल्क, आज से 70 साल पहले एक ही जगह थी, और आज तारों में बटे हुए दो मुल्क हैं। तो कितनी बंदिशें हैं हमारे बीच में, लेकिन फाइनली मैं आ गया, और मेरा पहला विजिट है पाकिस्तान में। ये देखिए पीछे झंडा पाकिस्तान का, और ये इमिग्रेशन पॉइंट। आमिर भाई साहब हैं, यहाँ मुझे मिले हैं बस में, और पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है आपको। मुझे, मैंने बताया कि अच्छा लग रहा है। मुझे पंजाबी आती नहीं है, तो हिंदी, मुझे पंजाबी नहीं आती है, मैं दिल्ली से हूँ ना। ठीक है। रास्ते में रावी ने मानो मुझसे पूछा, उस पार की रावी का हाल कैसा है। मैंने उससे पूछा, ये सवाल कैसा है। उसने पूछा, लहर मेरी उस पार सुनाई देती है। मैं बोला, कांटों की दीवार दिखाई देती है। ये देखिए, ये मैं इसमें मैंने प्रवेश कर लिया है। ये देखिए, ये है पूरा करतारपुर गुरुद्वारा। आज मैं जिस जगह आ गया हूँ, ये जगह है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने जीवन के 18 बहुमूल्य साल अपने बिताए हैं, और उन्होंने यहीं से, इसी जगह से, उन्होंने लंगर जो प्रथा है सिख धर्म के अंदर बहुत ही पवित्र प्रथा है, और उसकी शुरुआत इसी जगह से उन्होंने की थी। तो 2 ही दिन पहले इस कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये कारपेट्स हैं, कुशंस हैं, ये अभी तक रखे हुए हैं। और जो मुख्य परिसर है, मैं फिर से बता दूं, वो यही हुआ करता था। जो मेन, जो दर्शन के लिए लोग आते थे पहले, वीज़ा लेकर देखते थे इसको, या दूरबीन से उस पार से हिंदुस्तान से लोग देखते थे, वो इसी को देखते थे। अब पूरा परिसर 46 एकड़ का पूरा परिसर हो गया है। दोस्तों, ये देखिए, मैंने लॉकर में अपना सामान जो है वो रख दिया है, और अब मैं जो चाबी है अपने जेब में रखूँगा। और बहुत ही अद्भुत व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। देखिए, ये लॉकर रूम है, और बगल में जो शूज़ के लिए था वो भी जगह थी, और दरवाजे देखिए, ये इस तरह से दरवाजे बनाए गए हैं। आप यहाँ पे आके अपने सामान को रख सकते हैं। Thank you.
ये क्या चीज़ है जो यहाँ पर मज़ार मुझे दिख रही है, ये बताइए थोड़ा सा। लोग गुरु नानक देव जी जब स्वर्ग से आ रहे हैं ना जी, तो जो मुसलमान भाई थे वो बोले ये हमारे पीर हैं जी, हमें इनका ये दफनाना है जी डेड बॉडी। हाँ। तो हिंदू परिवार बोलते हैं हमारे गुरु हैं, हम इनका संस्कार करना। ठीक है। तो आपस में जब बात बढ़ गई। हाँ। तो बीच में जो सियाने बुजुर्ग थे उन्होंने बोला भाई देखो तो सही इनको। हाँ। पहले वो देखा तो उनका शरीर नहीं मिला। हाँ। चादर थी पड़ी थी वहाँ, दो फूल पड़े थे वहाँ। हाँ। उन्होंने चादर आदि आदि बांध ली हिंदू मुसलमानों ने। हाँ। जी। तो मुसलमान भाइयों ने उन्होंने यहाँ दफनाया चादर। ठीक है। ऊपर एक कब्र बना दी। अच्छा। तो हिंदू परिवार भाई थे उन्होंने उसका संस्कार करके स्मारक बना दिया, स्मारक अंदर बना दिया। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए ये मुख्य परिसर बाबा का स्मारक है जो हिंदू धर्म के लोगों ने बनाया था यहाँ पे। ये अंदर है गुरुद्वारे के मुख्य परिसर के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जिसमें पेंटिंग्स हैं और जो धर्म से जुड़ी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सिखों से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ होती हैं, सिख धर्म से जुड़ी हुई वो सब होती हैं। देखिए ये पेंटिंग्स हैं भाई गुरमुख सिंह ज्ञानी जी, और जो बनवाई है ये हैं भाई गुरमुख सिंह ज्ञानी जी, और फिर उसके बाद हैं ये बनाई है जर्क राशिद ने। और ये सब देखिए ये पेंटिंग्स हैं, ये गुरु नानक जी की पेंटिंग है, और ये बनाई है इरफान कुरैशी ने। वाह क्या टैलेंट है, अद्भुत टैलेंट लोगों में है, पाकिस्तान के लोगों में अद्भुत टैलेंट छुपा हुआ है। देखिए बेमिसाल पेंटिंग्स हैं ये सब। दोस्तों अब मैं जो बढ़ रहा हूँ वो लंगर हॉल की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये रास्ता है लंगर हॉल की तरफ जाता है। अब गुरुद्वारे में आए तो एक जो बहुत चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है वो थी यहाँ का प्रसाद, यहाँ का लंगर, जो लंगर प्रथा है। तो हम सभी चाहते हैं कि जो प्रसाद है उसको लेकर ही जाएँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लंगर हॉल बनाया गया है, क्या और कैसे लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखिए पीछे की तरफ है ये जो पीछे जो परिसर है, ये परिसर का पिछला हिस्सा है, ये लंगर हॉल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इधर पीछे मैं अब जा रहा हूँ, इधर लंगर हॉल है तो मैं जा रहा हूँ। लंगर हॉल में पहले सेवा की और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद बनाने से लेकर उसे बांटने तक का ढंग बहुत ही नियमित और मेंटेन था। दोस्तों करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे मिले हैं एक अली भाई जो इनके हाथ में मोबाइल है, और दूसरे मिले हैं राणा भाई जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों ही मुल्तान के हैं लेकिन इनकी एक दिली ख्वाहिश है इंडिया घूमने की, और जो परेशानी आती है वो ये आती है कि इनका कोई रिलेटिव वहाँ नहीं है तो इनको वीज़ा नहीं मिल पाता है, वीज़ा लग नहीं पाता है। तो आप बताएं अली राणा भाई क्या 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 दिक्कतें आती, क्या प्रॉब्लम? काफ़ी यही कि उधर आपका कोई रिश्तेदार हो, जाने कोई जानने वाला हो तो फिर आपका वीज़ा लगेगा, इस तरह कोई सूरत नहीं है आपका वीज़ा लगने की। तो दोस्तों देखो ये मुल्कों का एक हाल है कि लोग घूमना चाहते हैं, मैं खुद घूमना चाहता हूँ पाकिस्तान और मैं खाऊँगा। हम तो इसलिए घूमना चाहते हैं चलो कि प्यार मोहब्बत बढ़े आपस में, और एक चलो देख के आए इंडिया को कैसे वहाँ का। अगर आपको कोई गाइडेंस हो कि आप इनकी कोई हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिएगा। और बाकी यही चीज़ें हैं, यही ख्वाहिशें हैं जो हम लोग दोनों तरफ के लोग दिलों में पाले बैठे हैं, और हम उसको कहीं ना कहीं दबाए बैठे हैं, हम लोग आ नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं। दोस्तों ये है पवित्र कुआं यहाँ का जो इस परिसर के अंदर ही है। हाँ ये देखिए ये पवित्र कुआं है, और यहाँ का जल कई लोग लेते हैं, इसकी मान्यता है अपनी अपनी। इस कुआं कई लोगों को मैंने देखा है कि वो जल भर रहे हैं और लेके जा भी रहे हैं। ये देखिए ये कुआं है, ये और सामने जो दीवान अष्टन देख रहे हैं आप, ये जगह यहाँ पे शादी और जो समारोह होते हैं उनके लिए यहाँ पे जगह है, तो वो सब चीज़ें इवेंट्स यहीं पर होते हैं। और वो जो सामने लिखा हुआ आप देख रहे हैं उसके वो सामने क्या है कि जो पेंटिंग एग्जीबिशन जो मैंने दिखाई अभी आपको वो है, और उसके पीछे लंगर खाना है जहाँ लंगर होते हैं और तमाम कमरे बने हुए हैं। यहाँ आ गया हूँ, ये एक्चुअली एक मार्केट की शक्ल दी हुई है, छोटी सी मार्केट है जिसमें सिंध का एक स्पेशल आइटम्स है कुछ
और गिफ्ट शॉप्स भी हैं यहाँ पे। ये देखिए सिंध के कल्चर हैं और बाकी ड्राई फ्रूट्स भी हैं यहाँ पे। तो ये देखिए मेरे पीछे ये मार्केट है, और मैंने जो मनी जो एक्सचेंज कराया था बॉर्डर पर उसके जो पैसे मुझे मिले थे वो कुछ का इस्तेमाल मैं यहाँ करूँगा अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद आई तो। तो चलिए देखते हैं मैं क्या ले पाता हूँ यहाँ से, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने चीज़ें देख ली और हर चीज़ों को मैंने गौर से देखा तो कुछ मेरे बहुत काम की थी नहीं और कुछ चीज़ें बहुत ही कॉस्टली थी तो मैंने उनको ना लेना ही मुनासिब समझा। तो अब जो पैसे जो मैं मैंने एक्सचेंज कराए थे वो मैं एज इट इज़ उनको ले जाके वापस कर दूंगा और फिर मैं वापसी की राह पकड़ता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों। और बाकी रही एक चीज़ कि आप लोग कैसे यहाँ पर आ सकते हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको एक वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके सिंपल अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद एक LIU जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है पुलिस की वो आपकी वेरिफिकेशन करेगी, जैसे पासपोर्ट जब बनवाते हैं तब होती वेरिफिकेशन, सेम वेरिफिकेशन उसी से हिसाब की है। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कोई एक ऑफिशियल आपके घर पर आता है और वो चेक करता है आपको घर को, आपके नाम, फैमिली मेम्बर सबको चेक करेगा। और उसके कुछ दिनों बाद ही, 2 या 3 दिन बाद ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि आप एलिजिबल हुए हैं या नहीं हुए हैं इस ट्रैवल के लिए। और अगर आप एलिजिबल हुए हैं तो मैं टिकट करवा लें अमृतसर तक की। अमृतसर सबसे बढ़िया स्टेशन रहेगा आसपास के लिए, आसपास एक दो स्टेशन हैं बट वहाँ ट्रेनें उस हिसाब से नहीं आती हैं। तो आप अमृतसर उतरें और अमृतसर उतर कर आप वहाँ से बस पकड़ सकते हैं। अमृतसर बस अड्डे से आपको जो है बाबा डेरा नानक की बस मिल जाएगी, और बाबा डेरा नानक जब आप उतरें वहाँ बस अड्डे पे तो वहाँ से 2 किलोमीटर है वॉकिंग। और मैं कहूँगा कि आप बाबा डेरा नानक गुरुद्वारे होते हुए यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि वॉकिंग में जो मज़ा है वो गाड़ी में मज़ा नहीं आता है। तो आप आराम से यहाँ 2 किलोमीटर करके आप इमिग्रेशन पॉइंट पर पहुँच सकते हैं इंडिया साइड पर, और फिर वहाँ से आप पाकिस्तान की तरफ दाखिल हो सकते हैं।